देखिए, अगर आपको इत्मीनान है कि आप घर जाकर इत्मीनान से मुकम्मल तहारत के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, और अगर आपने यहाँ नमाज पढ़ी तो जाहिर की, क्योंकि तहारत की वॉशरूम वगैरह गए हैं, आप टॉयलेट यूज किया है और तहारत से मुतमईन नहीं है आप, तो शक की कैफियत में और डाउटफुल रहने की इससे बेहतर है कि इंसान यकीन की कैफियत में अल्लाह की इबादत को अंजाम दे। लिहाजा अगर ये इत्मीनान है कि अभी वक्त है मेरे पास, नमाज कजा नहीं हो रही है, नमाज कजा होने में अभी 1.5-2 घंटा बाकी है और मैं इतनी देर में घर पहुंच के इत्मीनान से नमाज पढ़ लूंगा, तो फिर बेहतर ये है कि आप घर पहुंचकर मुकम्मल तहारत और नजाफत के साथ नमाज को अदा करें। बट अगर आपको इस बात का एहसास हो, इस बात का खौफ हो कि अगर मैं घर गया तो घर जाते जाते तो नमाज कजा हो जाएगी, तो फिर आपको वाजिब है कि आप उसके कजा होने से पहले उसके वक्त में नमाज पढ़ें, चाहे आपको इसी कैफियत में नमाज पढ़नी पड़े कि जो आपने जिक्र की कि टिश्यू वगैरह के जरिए से, दूसरे जरिए से आपने तहारत की थी, इसलिए कि नमाज को कजा करना किसी हाल में भी जायज नहीं है। और अगर